फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों जैसा कि आपका बिहार यस स्टेट पेपर वन का एग्जाम 9 सितंबर को यानी परसों रोज है सैटरडे को और बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है, इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुकी हूँ, कुल मिलाकर के 10 है। मैं फटाफट पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी आपके 10-11 बजे तक कल तक। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ समय नष्ट न करते हुए। क्वेश्चन है दोस्तों फिटनेस क्या है। तो फिटनेस क्या है, हमारी आंतरिक क्षमता है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है। हमारे शरीर के विकास नहीं होगा अगर अच्छा पोषण नहीं लेंगे तो, ठीक है, विकास आपका अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिंजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन FSH का उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों यह पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से होता है, अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि, जिसे हम अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि के 2 भाग में बांटा गया है, अग्रपाली पश्चपाली। अग्रपाली को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और पश्चपाली को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अग्रपाली के एडिनो हाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन स्थापित होते हैं। चलते हैं आगे, इतना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हृदय के निर्गत यानी आउटपुट का सामान्य मान क्या है। तो दोस्तों हृदय आउटपुट यानी कि कार्डियक आउटपुट निकालने का सूत्र होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट, यानी 1 मिनट में हृदय जितना रक्त को पंप करता है उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट, हृदय के निर्गत। तो एक ऐसे निकाला जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो एक पंप में हृदय के एक पंप में यानी एक धड़कन में जितना रक्त शरीर की तरफ भेजता है उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो 70 ml होता है। और 1 मिनट में हमारा जो हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। 70 × 72 करेंगे तो 5.04 लीटर आपका आएगा। तो कार्डियक आउटपुट कितना होगा, 5.04 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गर्भाशय चक्र के किस चरण में प्रजनन चरण होता है। तो तुरंत बाद ही होता है, क्या होता है, तुरंत बाद होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक लक्ष्य के रूप में कुल प्रजनन स्वास्थ्य प्राप्त करने के कार्यक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, परिवार नियोजन, यानी क्या कहते हैं इसको, परिवार नियोजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है। तो भारी व्यायाम कभी भी अच्छा नहीं होता दोस्तों, आपके लिए एक एवरेज व्यायाम अच्छा होता है, ठीक। नेक्स्ट है काइफोसिस जिसे कुबड़ा कहते हैं और पीठ के अन्य दोषों के लिए आप किस सरलतम व्यायाम को सुझाव दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट होगा तैराकी करना, ठीक। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, चल संधि, अचल संधि, अधचल संधि, याद रखिएगा। हमारे खोपड़ी में अचल संधि जिसे हम सूचर ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। 59 क्वेश्चन, अब 60 क्वेश्चन कहाँ पे है, यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि रक्तदाब को मापने का यंत्र कौन सा है। तो रक्तदाब को मापने का यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 61 है इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। तो इंट्राम्यूरल मतलब कि संस्थान के भीतर आयोजित प्रतियोगिता को इंट्राम्यूरल कहते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल मतलब एक संस्थान से दूसरे संस्थान के बीच जो आयोजित होती है प्रतियोगिता उसको एक्स्ट्राम्यूरल कहते हैं। एंड नेक्स्ट है 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं। तो 110 मीटर बाधा दौड़ पुरुषों के लिए होता है एंड महिलाओं के लिए 100 मीटर और 400 मीटर पुरुष महिला दोनों के लिए होता है। इन सब में 10 बाधाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 10 बाधाएं होती हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे है नेक्स्ट है एथलीट मीट का फील्ड इवेंट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे 100 मीटर दौड़, बाधा दौड़, रिले रेस, एक ट्रैक इवेंट है, जबकि लंबी कूद क्या है, फील्ड इवेंट है। नेक्स्ट दोस्तों डेकाथलान में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो डेकाथलान में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, तो यहाँ पे 10 इवेंट होता है डेकाथलान में। कितनी, 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड इवेंट, कितने होते हैं, 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड इवेंट, ये पुरुषों के लिए होता है। नेक्स्ट एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है।
तो एड्स का पता लगाने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिसा तकनीक का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है रिले रेस में एक्सचेंज जोन, यानी बेटन जो एक्सचेंज जोन होता है कि कितनी दूरी होती है, 20 मीटर। नेक्स्ट है आँख कान नाक की सफाई के संदर्भ में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आँखों को धोना चाहिए, कान को साफ करना चाहिए, नाक को रुई साफ करना चाहिए, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है भारत में खो खो कहाँ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, तो महाराष्ट्र में है। 69 क्वेश्चन कहाँ पे है, ये 69 क्वेश्चन है। भारत को प्रदूषण से बचाने के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो स्वच्छता का, प्रदूषण बचाने का, यहाँ पे कौन सभी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, स्वच्छता का, प्रदूषण का, पोषकता का, इन सभी पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है किस देश ने 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करने की घोषणा की है, तो वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो की खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों खिलाड़ी खेलते हैं 9 और 3 अतिरिक्त, कुल मिलाकर के 12 होते हैं, बट ठीक है यहाँ पे एक टीम में कितनी होती है, 9। नेक्स्ट है एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं, ये प्रशिक्षित व्यक्ति होगा, ट्रेनर होगा, ट्रेंड व्यक्ति होगा, तो उसमें थकावट जो होगी वो धीमी होगी। नेक्स्ट है स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है, क्या मापता है, शरीर की चर्बी यानी वसा को मापता है, मोटापे को मापता है। नेक्स्ट है संचलन यानी मोमेंट का शीघ्र पुनरावृत्ति किसमें होता है, जो फिटनेस लेवल को पार कर चुका होता है, जो फिट होता है। नेक्स्ट है पेशी खिंचाव का कारण क्या हो सकता है, तो अत्यधिक प्रशिक्षण हो सकता है, अत्यधिक प्रशिक्षण करने से भी पेशी खिंचाव होता है। नेक्स्ट है VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है, तो व्यायाम के द्वारा लाया जा सकता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है आंखों में चोट हम देख सकते हैं विशेषकर किसमें, जो स्पर्श करने वाले खेल होते हैं उसमें हम देख सकते हैं आंखों की चोट। 77 क्वेश्चन है, अब देखते हैं 78 कहाँ है, तो 78 यहाँ है। क्वेश्चन है दोस्तों मालिश क्या है, तो मालिश एक प्रकार का वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल विधि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम स्टाफ बोर्ड कहाँ दे सकते हैं, तो स्टाफ बोर्ड का प्रयोग गोला फेंक यानी शॉर्ट पुट में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है, तो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में बनाया गया है सुनील गावस्कर के नाम पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट कौन सा समूह यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि सर्वदाता कौन है, दोस्तों ओ है जो सबको दे सकता है, एंड ए बी है जो सर्वग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सबको सबका रक्त ले सकता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 46 ग्राम लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, वो होता है सूर्य की किरणें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में, एंड फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, तो यहाँ पे 98.4 दिया है, तो यही राइट रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा रोग रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी से आपका हो जाता है बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स। नेक्स्ट है दोस्तों धमनियों रसनी में धमनियों का कार्य क्या होता है, तो यह हृदय से रक्त समस्त अंगों में ले जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी हड्डी पैर का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे दिख गया पहला ही पगनंडिका यानी ह्यूमरस जो है पैर का हिस्सा नहीं है, उसके अलावा फिबुला यानी कि बहिर्जंघिका फिबुला है पैर का हिस्सा, एंड आपका टीबिया है, फीमर है, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संक्रामक रोग से क्या संक्रामक रोग का तात्पर्य है, क्या है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उसी को संक्रामक रोग कहते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई, तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई, तो यह किया गया 1999 में, कब 1999 में। नेक्स्ट डेंगू के रोकथाम एवं बचाव के उपाय कौन कौन से हैं, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों पूर्ण साफ सफाई, पानी एकत्रित ना होने देना, लार्वा को मार देना, ऊपर सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है क्या है, दोस्तों शारीरिक कौशल का विकास करना इसका ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविनोद से आप क्या समझते हैं, मनोविनोद यानी कि वैयक्तिक आनंद,
ही मनोविनोद है, जिसमें खेल कूद, छोटे बड़े खेल, अपना आनंद, स्वयं से लिया गया निर्णय, ये सब ही शामिल होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस वर्ष सारी शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? वो था 1920 YMCA कॉलेज, जो SC बक के द्वारा स्थापित किया गया था चेन्नई मद्रास में। SC बक को भारत में सारी शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, गहन अध्ययन थार्नडाइक का नियम है, तो गहन अध्ययन थार्नडाइक के नियम को प्रभाव का नियम कहते हैं। थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एंड प्रभाव का नियम। नेक्स्ट, NCC का पूरा नाम क्या है? तो NCC का पूरा नाम है नेशनल कैडेट क्राफ्ट, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उंगली की चोट के लिए किस प्रकार का आप बैंडेज का प्रयोग करेंगे? तो रोलर बैंडेज का उसमें प्रयोग करेंगे। 97 क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ पे आपका 97 क्वेश्चन है। 97 क्वेश्चन है कि सांप के काटने को आप क्या कह सकते हैं? उसको सर्पदंश बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जाने पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले अधिक से अधिक जल का उपयोग करेंगे उसके ऊपर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2008 को ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2008 में बीजिंग में चीन में हुआ था। एंड 2012 में लंदन ओलंपिक में हुआ था। 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। 2020 में कहाँ पे हुआ था? टोक्यो जापान में। 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट कब प्रारंभ हुआ था? तो 1975 में, और विश्व कप महिला क्रिकेट शुरुआत हुआ था 1973 में, जिसके हार्वर्ड कप भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में फुटबॉल खेल लाने का श्रेय है अंग्रेजों को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रैक में एक लेन की कितनी लंबाई होती है? तो 1.22 होती है, याद रखिएगा, 1.22 मीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौड़ाई की बात कर रहा है, किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन? सभी आसन करने के बाद, कोई भी आसन करेंगे उसके आसन करने के बाद शवासन किया जाता है, इसको मृत्यु आसन भी कहते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा मृत्यु आसन किसे कहते हैं? तो शवासन को कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रेरणा कैसे पैदा होती है? किसी कौशल को देखकर हमको मोटिवेशन पैदा होती है, प्रेरणा पैदा होता है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? दोस्तों, शारीरिक शिक्षा जो है, व्यक्तित्व जो है, शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। इसी को तो डेवलप किया जाता है शारीरिक शिक्षा में। 105 क्वेश्चन है, 106 देखते हैं कहाँ पे है। 106 आ गया, 106 क्वेश्चन, ठीक है। 106 क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? आप सबको पता है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाने से हमारे शरीर में थकान होता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग कौन सा है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा हो जाता है? वो TB है, यानी ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक, जिसे कहते हैं, राजएस्मा भी बोलते हैं इसको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड विधि का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? तो मार्चिंग में करेंगे, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन कौन है? तो दृश्य श्रव्य साधन है सबसे अच्छा खेलों के लिए। नेक्स्ट है, एक कोच का गुण कैसा होना चाहिए? दोस्तों, समायोजन, यानी कि दोनों में समायोजन करने वाला, एडाप्टेशन करने वाला, संतुलन करने वाला होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटअप का उद्देश्य क्या है? हमारे पेट की मांसपेशियों को शक्ति में सुधार करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम देख सकते हैं, जैसे टूर्नामेंट 4 प्रकार का होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट 4 प्रकार का होता है, लीग कम लीग, तो यहाँ पे लीग कम नॉकआउट यहाँ पे होगा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का उदाहरण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिविर के द्वारा आप क्या सीखते हैं? सबसे अच्छा हम उसका अनुशासन डिसिप्लिन सीखते हैं एक शिविर में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? 38.95 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं? दोस्तों, तो सफ़ेद होता है, जो 8 फुट ऊंचा एंड 8 गज चौड़ा होता है, याद रखिएगा। 116 क्वेश्चन हम देखते हैं कहाँ है, यही रहा आपका 116 क्वेश्चन। 116 क्वेश्चन है कि स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानाचार्य की, कि सफाई कर्मचारी की, कि शिक्षक और विद्यार्थी की, इन सभी की जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेप्टाथलान में कितने इवेंट्स होते हैं? तो इसमें 7 इवेंट होते हैं, पहले दिन 4, दूसरे दिन 3, यानी कि 3 ट्रैक 4 फील्ड इवेंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट दोस्तों, यह महिलाओं के लिए हेप्टाथलान होता है। नेक्स्ट है, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम क्या है? तो दोस्तों, ब्लड शुगर के लिए सबसे अच्छा तो यहाँ पे टहलना माना जाएगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में मुक्त हस्त व्यायाम दिया है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकलांगता होती है
तो कुपोषण के कारण होता है। किसके कारण? कुपोषण और रोग दोनों के कारण होता है, बट यहाँ पे एक ही ऑप्शन चूज करना है तो कुपोषण हम चूज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शक्ति मापी जा सकती है। शक्ति यानी ताकत को मापा जाता है डायनेमोमीटर से, याद रखिएगा। 19 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो मानव शरीर की क्रिया तो होता ही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानव शरीर के सभी भाग के कार्यों की को अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतियोगिताओं में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इसमें होते हैं आपका बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई। ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका फ्री स्टाइल सबसे तेज दौड़ने तैराकी की तकनीक होता है। नेक्स्ट है, अभ्यास योजना क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, विद्वान कक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए पाठ योजना आपका जरूरी होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राथमिक चिकित्सा जानकारी किस आवश्यक है? तो सभी के लिए जानकारी आवश्यक है प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड का। 124 क्वेश्चन है या 125 देते हैं, कहाँ है 125? ये रहा आपका 125 क्वेश्चन, 125वां क्वेश्चन। 125वां क्वेश्चन है, शायद शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों, फील्ड यानी मैदान। बिना मैदान यानी फील्ड का शारीरिक शिक्षा अधूरा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होनी चाहिए। किसके? IOA। यहाँ पे IOA का मतलब ये नहीं है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, नो। यहाँ पे IOA का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक अकादमी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी, यहाँ पे इसका अर्थ है। नेक्स्ट दोस्तों, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 किरण पुलार्ड है दोस्तों। इसका सही आंसर यही है कि क्या है, एक भी क्लियर नहीं है तो आप देख लीजिएगा, ये मत कहिएगा गलत आंसर बता दिए। तो 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो किरण पुलार्ड बन गए हैं। कौन है? किरण पुलार्ड, यही आंसर आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी स्प्रिंट दौड़ों में एक स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, कौन सा? स्प्रिंट दौड़ में कौन आता है? 100, 200, 400 मीटर दौड़, रिले रेस, ये सभी स्प्रिंट दौड़ों में आते हैं। तो इसमें क्राउच स्टार्ट यानी बैठकर स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट 2 प्रकार का होता है, सीटिंग एंड स्टैंडिंग। सीटिंग स्टार्ट यानी क्राउच स्टार्ट बैठकर स्टार्ट किया जाता है स्प्रिंट दौड़ों में, जैसे 100, 200, 400 मीटर दौड़, 4x100 मीटर रिले रेस, 4x400 मीटर रिले रेस में किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार के स्टार्ट होते हैं, बंच बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलांगेटेड स्टार्ट। और स्टैंडिंग स्टार्ट खड़े होकर स्टार्ट, मध्यम दूरी की दौड़ें और लंबी दूरी की दौड़ें। मध्यम दूरी की दौड़ें 800 मीटर, 1500 मीटर होती है, और लंबी दूरी की दौड़ों में 3000, 5000, 10000 मीटर दौड़ें शामिल होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महिला 100 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? 0.484 मीटर होती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की मानक दूरी 42.195 किलोमीटर यानी कि 26 मील 385 गज होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंची कूद यानी हाई जंप प्रतियोगिता में लैंडिंग एरिया कितना होता है? तो 5x3 मीटर का होता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, 60 फुट वृत्त का भीतरी व्यास कितना होता है? तो 2.135 60 फुट हैमर थ्रो दोनों का होता है। एंड आपका डिस्कस थ्रो का 2.05 मीटर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष विजेता कौन थे? तो वो है लिनफोर्ड क्रिस्टी थे। कौन थे? लिनफोर्ड क्रिस्टी थे। तो 133 क्वेश्चन है, 134 कहाँ है? 134 रहा ये आपका क्वेश्चन। 134 क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रतियोगी कौन है? तो वो है आपका कमलजीत सिंह संधु। नेक्स्ट है, महिला भाला फेंक प्रतियोगिता का भाले का वजन कितना होता है? 600 ग्राम और पुरुष के लिए 800 ग्राम, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो देवता के सम्मान में खेले जाने वाले कौन सा खेल खेले जाते थे? तो दोस्तों, उत्तर एथेंस काल में 4 पानहेलनिक खेल खेला जाता था, ओलंपिक, पीथियन, इस्थिमियन, निमियन। ओलंपिक खेल जो है और निमियन खेल, ये दोनों आकाश देवता यानी कि जीएस देवता के सम्मान में खेले जाते थे। पीथियन खेल जो है
अपोलो यानी सूर्य देवता के सम्मान में खेले जाते थे। इस्थिमियन खेल जो है वह पोसिडियन यानी समुद्र देवता के सम्मान में खेले जाते थे। यहाँ पे क्या पूछा है, अपोलो देवता के सम्मान में कौन सा खेल खेले जाते थे, तो पीथियन खेल। यहाँ पे पीथियन सही नहीं लिखा है, पीथियन खेल। नेक्स्ट, ओलंपिक में प्रति प्रतियोगिता कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है, तो प्रत्येक प्रतियोगिता से ओनली 3 प्रविष्टियों की अनुमति होती है ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है, दोस्तों उद्घाटन ओलंपिक खेल का करता है मेजबान देश का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति या कोई भी अध्यक्ष हो, बट उसके समापन की घोषणा करता है ओलंपिक की खेल की प्रेसिडेंट ऑफ IOC यानी कि IOC के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है, तो जो भी दावा करता है अपने अपने देश का शहर का, तो उनमें से एक शहर को ले लिया जाता है, उसके शहर को मेजबानी सौंपी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया, तो 1928 एमस्टर्डम में राष्ट्रीय गान सबसे पहले बजाया गया। एंड सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय झंडा कब फहराया गया, तो 1948 लंदन ओलंपिक में फहराया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना क्या है, तो पूर्ण तंदुरुस्ती के एक अर्थ के रूप में स्वास्थ्य। WHO मानता है कि केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना एक स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक मानसिक सामाजिक प्रत्येक रूप से स्वस्थ रहना स्वास्थ्य कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का उपयोग किया जाना चाहिए किसके द्वारा, दोस्तों केवल चिकित्सा अधिकारी द्वारा, केवल नर्स द्वारा, विद्यार्थियों को बेहतर समझने के लिए, शिक्षक की मदद हेतु, किसके लिए किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा, विद्यार्थी को बेहतर समझने के लिए शिक्षक की मदद करने हेतु स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाना चाहिए। 142 क्वेश्चन है या 143, देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा आपका 143 क्वेश्चन। अंशफलक यानी स्केपुला अस्थि कहाँ पे स्थित होती है, दोस्तों जो हमारे कंधे की हड्डी होती है उसको अंशफलक स्केपुला कहते हैं, जो ऊपरी पीठ में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों में संवेग इमोशन के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सा है, वो है अनुप्रेषण यानी रीडायरेक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इससे प्राप्त की जा सकती है, किससे दोस्तों, सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की दौड़ से एरोबिक क्षमता प्राप्त की जा सकती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में जब गोल रक्षक यानी जो गोलकीपर होता है उसके पैरों में फंस जाती है, तो उसके बाद खेल पुनः कैसे आरंभ किया जाता है, तो बूली द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, बूली द्वारा किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है, दोस्तों ट्रिपल जंप की अब बात कर रहा है, तो एक अतिरिक्त कोशिश का मौका दिया जाता है। ट्रिपल जंप में क्या होता है, जब टाई हो जाए तो उसको ब्रेक करने के लिए एक अतिरिक्त मौका दिया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी सामान्यतः बेहतर सीखते हैं, कैसे बेहतर सीखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है कि यदि संकेतित मानसिक कार्य के बाद कार्यकलाप में एक परिवर्तन किया जाए, उसी को करेंगे तो उसमें उबर महसूस हो जाएगा, इसलिए कुछ समय के बाद परिवर्तन यानी चेंजिंग करेंगे तो उससे विद्यार्थी जो है बेहतर सीखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंबी कूद में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, तो लंबी कूद में टाई को ब्रेक करने के लिए हम अगले नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं, अगले नेक्स्ट निष्पादन पर विचार करना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 है कि एक मानक स्विमिंग पूल यानी तरण ताल की लंबाई कितनी होती है, तो 50 × 25 होता है यानी 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा होता है, यहाँ 50 मीटर नहीं दिया है, तो निकटतम आंसर हो जाएगा 2 यानी 52 मीटर। तो ये था दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 4, इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है, तो पूरा प्रैक्टिस फटाफट से करिए। एंड आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि 200 पूरा हो जाए, नहीं पूरा होगा, 1-2 बच जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।